हमीरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने हमीरपुर के गांधी चौक पर विशाल जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, उन्ना सदर के विधायक सतपाल रायजादा, विधायक राजेंद्र राणा, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, सुरेश चंदेल आदि गणमान्य नेता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि इस बार हमीरपुर की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने बताया कि रामलाल ठाकुर एक कदावर नेता हैं और पार्टी में इनको टिकट देकर इस सीट पर विजय हासिल करने का अवसर प्रदान किया है ताकि यहाँ के लोगों को जुमलों वाली सरकार से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि अब जो बीसीसीआई के अंदर गंध था वो भी साफ हो गया है। आपके सामने प्रेजेंट क्या नाम बीसीसीआई के प्रेजेंट कुलदीप राठौड़ भी यहाँ पर है और कम से कम जो बीसीसीआई के अंदर गंध था वो साफ हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे सामने एक लायक निर्णय करना ऊपर हमें सोच समझ कर विचार करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, कुछ रास्ते में वो छोड़ और अगर इंदिरा गांधी जी नहीं होती हिमाचल प्रदेश नहीं बनता, इंदिरा गांधी जी नहीं होगी तो हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा नहीं मिलता और वो सम्मान नहीं मिलता जो आज की। पूर्व विधायक कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से रामलाल ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है जो हमीरपुर में भाजपा के कारण रुके हुए विकास कार्य को गति प्रदान करेंगे। उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की। वहीं उन्होंने कहा कि हमीरपुर से अनुराग ठाकुर पिछले 15 सालों से सांसद हैं पर ये कभी भी संसद में सवाल नहीं पूछते बल्कि गाली देने का काम करते हैं। तीसरी नजर आती है राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की, कांग्रेस पार्टी उन बातों से घबराने वाली नहीं है। मंडी में कल रैली को जब वो संबोधित कर रहे थे मैं भी टेलीविजन पर देख रहा था और जब टेलीविजन पर देख रहा था बड़े गुस्से में कह रहे थे कि हम उनका हाथ काट कर आप पे पकड़ा देंगे। सत्ती जी गुस्सा मत करिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ जिस हाथ से बटन दबाता है उससे बड़े बड़े तानाशाह ध्वस्त हो जाते हैं। 19 मई को जिस प्रकार की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं वो तानाशाह भी ध्वस्त हो जाएगा। इस संसदीय क्षेत्र से, इस जिला से 15 साल से अनुराग ठाकुर चुनाव जीतते आ रहे हैं। 15 साल से कभी रेल का सपना दिखाया जाता है, यहाँ एकमात्र मेडिकल कॉलेज आया, उनके पिताजी भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, वो मेडिकल कॉलेज 2014 में गुलाम नबी आजाद जी सबसे ही धक्के लग रहे हैं, आपके नेताओं से धक्के लग रहे हैं, आप सचिवालय से कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि आपका ज्यादा वक्त मुंबई और दुबई में लगता है, जनता की सेवा में आपका वक्त नहीं लगता। इसीलिए मैं आप लोगों से एक अनुरोध करने आया हूँ, रामलाल ठाकुर जी हमारे एक ऐसा परिवार से संबंध रखते हैं जो आम परिवार है, किसान का परिवार है, 5 बार के विधायक रह चुके हैं, उद्योग मंत्री रह चुके हैं, वन मंत्री रह चुके हैं और इससे ज्यादा ये जब भी विधानसभा में उठते हैं आप लोगों की आवाज विधानसभा के पटल पर उठाने की क्षमता यही योग्यवान व्यक्ति रखता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता से आह्वान करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करे और कांग्रेस को भारी मतों से विजय दिलाए ताकि प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस काबिज हो सके और देश में कांग्रेस की सरकार बनाने में सफल रहे। वहीं राठौर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती को भी आड़े हाथों
हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, हम भी जवाब देना जानते हैं। जब हार किसी को सामने नजर आती है तो जुबान पे नियंत्रण खत्म हो जाता है, और आज जयराम जी की जुबान पे नियंत्रण नहीं है और सतपाल सत्ती जी अनाप शनाप बोल रहे हैं। पहले उन्होंने राहुल गांधी जी को गाली दी, प्रियंका गांधी जी को गाली दी, और चुनाव आयोग ने उन पे पाबंदी लगाई कि वो 48 घंटे तक नहीं बोलेंगे। हालांकि हमारी मांग थी कि इनको तो चुनाव तक बिल्कुल बंद, इनको प्रचार से अलग कर दिया जाना चाहिए। और अब कल मंडी जाके उन्होंने कहा कि हमारी तरफ अगर उंगली उठेगी तो हम बाजू काट देंगे। मैं सत्ती जी को बोलना चाहता हूँ, अगर ये इशारा हमारी तरफ है तो एक बात सुन लें, ये कांग्रेस पार्टी का हाथ है, ये वो हाथ है जिसने, जिन हाथों ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। अगर आप ये बात करेंगे, हमने भी अपने जो हाथों में जो है चूड़ियां नहीं पहन रखी है। सत्ती जी अपनी भाषा पे लगाम लगाइए, हमको मालूम है कि आप हताश और निराश हैं, हताश और निराश बिल्कुल नजर आ रही है, क्योंकि आपकी पैरों के नीचे से जो है जमीन खिसक चुकी है। आज जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बाहर निकला है, एकजुटता से निकला है, हमारे विरोधियों की जो नींद हराम होगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज भले ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, हमारा एक पुराना साथी, मेरा विश्वविद्यालय का दोस्त श्री सुरेश चंदेल, जो एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, 3 बार संसद सदस्य रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी में आए हैं, और इनके आने से कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बताना चाहता हूं कि अगर ये साथी हमारे बीच में आया है, हमने इनकी मान प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल रखा है, और आला कमान ने इन्हें जो हमारा कैंपेन कमेटी है उसका जो है को कन्वीनर बना के हमने ये कहा, ये साबित किया है कि अगर ये हमारे साथ आए तो हम इनकी मान प्रतिष्ठा में जो है कोई कमी नहीं रखेंगे। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, जो रामलाल ठाकुर जी हैं आपके जाने पर के उम्मीदवार हैं, यहाँ से आप सब अच्छी तरह उनको जानते हैं, एक बार तो बहुत कम वोटों से जो है चुनाव हारे, एक अनुभवी और परिपक्व नेता है, एनएसयूआई युवा कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबा सफर तय किया है, काफी साल मंत्री रहे हैं, एक अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ऐसा व्यक्ति यहां से चुनाव जीत के जाएगा, निश्चित तौर पे जो है हमीरपुर क्षेत्र का जो है विकास होगा। और मोदी जी के तो दिन बहुत कम रह गए हैं, जो सत्ता परिवर्तन की लहर आज देश में चल रही है, हिमाचल भी अछूता नहीं है। 19 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे और लोगों को मोबिलाइज करेंगे, और पार्टी मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो उत्साह आपका आज है ये चुनाव तक बना रहना चाहिए, पूरी ताकत के साथ आप काम कीजिए, बहुत थोड़ा समय है हमारे पास, मुझे पूरा विश्वास। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हमीरपुर से 3 बार रहे सांसद अनुराग ठाकुर ने हमेशा ही झूठ की राजनीति की है, वहीं अपने गोद लिए गए गांव की दशा भी नहीं सुधार पाए हैं, और आज लोगों के बीच वोट मांगने भी मोदी के नाम से जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार हमीरपुर सीट जीत कर भाजपा को करारा जवाब देगी। सवाल लोगों के मन में उनके बारे में है, लोग कहते हैं उनका जनसंपर्क नहीं है, वो पंचायतों में उनके दर्शन नहीं हुए, उनके निधि का पता नहीं, तरह तरह के सवाल जहां भी आप जाए उनसे लोग पूछते हैं। लोगों ने टेलीविजन पर उनको इंग्लैंड और बाकी कई जगह पर दुबई में देखा होगा, लेकिन अपने गांव में देखने के लिए लोग जरूर तरसे। परिणाम यह रहा कि वो हमेशा किसी ना किसी की पीठ पर चढ़ करके लोकसभा पहुंचते रहे, और इस बार भी उनकी कोशिश है कि मोदी की पीठ पर चढ़ के लोकसभा पहुंच जाए। इसलिए आप सबको, जनता को जागृत करना है कि इस बार किसी की पीठ पर नहीं चढ़ने देंगे, लेकिन जनता के बीच में हिसाब किताब करेंगे, जनता उनसे हिसाब लेगी, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ेगी। एक बार माफी होती है, एक बार लिहाज होती है, लेकिन इस बार उनकी कोई लिहाज नहीं की जाएगी, अभी तो उनको आईना दिखाया जाएगा। हमारे उम्मीदवार श्री रामलाल ठाकुर जी एक अनुभवी आदमी है, अनुभवी नेता है, उन्होंने कई बार मंत्री रह करके, विधायक रह करके।
हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि लोग भाजपा की जनविरोधी नीतियों से परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने चुनावों से पहले लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे और बाद में लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया। खाने के लिए हमने वहाँ पे दाखिल होना चाहिए और 19 तारीख को हम वहाँ पे बैठना चाहिए और सब लोगों को वोटिंग सेंटर तक लाके हमारे जो पंजा का निशाना है उसका बटन दबाने के लिए उनको प्रवृत्त करना है। यही बताने के लिए मैं आई हूँ कि जो लड़ाई राजीव गांधी जी ने शुरू की, राहुल गांधी जी ने शुरू की, और राहुल गांधी जी ने बताया कि ये वक्त है बदलाव का वक्त है, और जिससे राहुल जी लड़ रहे गए 10 साल से लड़ रहे हैं, उनको कुछ भी कहा गया, उनको बहुत ही अपमानित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना जो काम है वो छोड़ा नहीं और आपके सामने आके बात बार 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 बताते रहे। और इस 5 साल से तो आपको मालूम है, इन्होंने वादे किए थे 15 करोड़ रुपए देने के, कहा गए वो 15 करोड़ रुपए। उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए, कहा गई वो 2 लाख की नौकरियां। उन्होंने वादा किया था हमें संरक्षण देने का महिलाओं को, कहा दे पाए संरक्षण। उन्होंने वादा किया था किसानों को भूमि भाव देने का, कहा गया वो हमारा भूमि भाव। आज किसान त्रस्त होकर आत्महत्या कर रहे हैं और सब तरफ से डिमोनेटाइजेशन से या जीएसटी से हमारे जनता त्रस्त है और त्राही भगवान हो रही है। तब हमारा राहुल गांधी ने नारा दिया है कि जो उन्होंने लाल किले पे बोला था कि मैं इस देश का चौकीदार हूँ, वो चौकीदार नहीं, वो कौन है? चौकीदार चोर है, ये राहुल गांधी ने बोला है। हमीरपुर की सीट उनको लगता है हमीरपुर तो हम जीत गए, हमीरपुर छोड़ के बात करिए। जब आपके उम्मीदवार के एक बार हमारा पार्लियामेंट में मुलाकात हो गई थी तो बातों बातों में बोले किसी को भी उम्मीदवार दे दो, मैं तो मेरा तो जितना पक्का है, इस तरह से बोल रहे थे। इनका ये अहमन्य स्वभाव है, उसको हमें दिखाना है। आप इतने भी बड़े हो जाओ, आखिर में आपको बड़ा बनाने वाले सामने जो बैठा है वो हमारा भाई है, हमारी बहन है। आपको उन्होंने ताकत दी है, आपको उन्होंने चेहरा दिया है और वो हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं यही दरख्वास्त करने के लिए आई हूँ क्योंकि समय की कमी है। मैं यही बताना चाहूंगी कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा वोटरों से हमारे रामलाल ठाकुर जी को आप जिता के रखिएगा। और जो 1600 वोटों से हार गए थे, जिनसे हारे थे वो भी अभी हमारे साथ आए हैं, सुरेश चंदेल जी, तो अभी तो हमारी ताकत बहुत दुगनी तिगनी हो गई है। मुझे लगता है आने वाले चुनाव में हम बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे, इसमें इसके लिए मेरे मन में कोई शंका नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट दिया गया है और उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की प्रचंड लहर चल रही है और प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सबसे बड़ी नाइंसाफी किसानों के साथ की है, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए गए लेकिन वो पूरे नहीं हुए। धर्म और अधर्म की लड़ाई, धर्म का मतलब ये नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी परिभाषा देती है, धर्म का मतलब वो है जो मुल्क के अंदर, जो मैं कहूँगा कि किसानों के लिए, जो नौजवानों को रोजगार देने के लिए, जो महिलाओं से न्याय करने के लिए और इस मुल्क के सर्वांगीण विकास में जिन्होंने आगे मैं कहूँगा इतिहास लिखा है, वो धर्म है हमारा। और जिन लोगों ने 5 सालों के अंदर झूठ बोल के नौजवानों से भी धोखा किया, महिलाओं से भी धोखा किया, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो हमारे किसान हैं उनसे बड़ा भारी इंसाफ बेइंसाफी करी। आज ये मैं कहूँगा वो अधर्मी लोग हैं। मैं राहुल गांधी जी का और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, हमारे जो सीनियर नेता हैं दिल्ली में, मैं उनका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने किसानों की तरफ को एक नई दिशा से जो है वो आगे कदम बढ़ाने शुरू किया है। हमारा चुनावी घोषणा पत्र आपके सामने है और मैं कहूँगा कि जो किसान अन्न पैदा करता है, जो दूध पैदा करता है जिसकी अनदेखी हो रही है, जो सब्जी पैदा करता है जिससे मैं कहूँगा अत्याचार हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनकी तरफ को देखा है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज की जो लड़ाई है ये सच और झूठ में आपको अंतर ढूंढना पड़ेगा कि जो सच कह रहे हैं, जिन्होंने भारतवर्ष को बनाया,
जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को बनाया, ये मैं कहूँगा ये हमारी गाथा है, ये हमारा इतिहास है। माननीय वीरभद्र सिंह का मैं धन्यवाद करना। वहीं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने 5 सालों में जुमले ही लोगों को दिए हैं और विकास की एक भी ईंट नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि इस बार अनुराग ठाकुर को जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। जो दिल्ली में सरकार प्रसाद सिंह थी, उन्होंने 2000 में वायदा किए थे, उनको अपने ध्यान में रखते हुए ना किसी पे काम नहीं किया, ना रोजगार दिया, ना 15 लाख दिए, या दूरी किसान की आय नहीं हुई, ना पाकिस्तान के ताशे वापस आए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो वायदा किया था किसानों का कि हम 10 दिन में आपका कर्जा माफ करेंगे, वो 10 दिन पूरे नहीं हुए 3 राज्यों में किसानों। मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सैनिकों के नाम पर राजनीति कर रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के विवेक का फायदा उठा रही है। शहादत पर वोट मांगना बंद करें। जहां तक देश की एकता और आजादी की बात है, पूरा हिंदुस्तान एक है। कांग्रेस पार्टी आपसे नहीं सुनना चाहती कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है और आतंकवाद से कैसे लड़ा जाता है। हमने 2-2 प्रधानमंत्री शहीद किए हैं। इंदिरा गांधी शहीद हुई आतंकवाद से लड़ती, राजीव गांधी शहीद हुए। आज अगर हम आलोचना करते हैं, सवाल करते हैं, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हमारी राष्ट्रभक्ति में कोई कमी है। शर्म की बात है, पहली बार आजादी के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं। हम इनको बताना चाहते हैं कि इस देश की फौज भारत की रक्षा करती है, भारत की सेना तिरंगे के नीचे लड़ती है। वो ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फौज है, ना बीजेपी की फौज है। और मैं आपसे आप गुजारिश करता हूं, जहां वायदा खिलाफी की इनको सजा दे, जो आपके साथ अन्याय हुआ, तकलीफ दी है इन्होंने अपने गलत फैसलों से, उसके लिए इनको सजा दे, वह हिंदुस्तान की सेना और हमारे शहीदों के अपमान के लिए इनको सजा दे। किसी चुनाव के उसका एक ही तरीका कि आज से वोट डालने के दिन तक आप मेहनत करें, लोगों को याद कराएं कि किस तरह से उनके विश्वास को धोखा दिया गया है। PLTV के लिए हमीरपुर से विजय लखपाल की रिपोर्ट।